ओके गाइस, वेलकम टू बाइंडी ट्यूब प्रयागराज। मैं आपकी मित्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्म के बारे में देखा था कि कैसे फॉर्म को बनाते हैं। फॉर्म की जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी उतनी पॉसिबिलिटीज हमने बना दी। आपको एक होमवर्क दे दिया है कि आप लोग फॉर्म को टेबल में भी बनाने का प्रयास करें, केवल TR और TD लगाकर। चलिए, अब फॉर्म की बात खत्म हो गई, अभी HTML5 में भी हम एक बार फॉर्म की बात करेंगे। लेकिन अब हम आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम अपने ब्राउजर स्क्रीन को, जो हमारा वो बॉडी पार्ट है, उसको हम कैसे फ्रेम में बांट सकते हैं। आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि सरकारी रिजल्ट में एक फ्रेम में दूसरी चीज आए, दूसरी फ्रेम में दूसरी चीज आए, तीसरी फ्रेम में तीसरी चीज आए। ऐसे अगर हमको फ्रेमिंग करनी है, अपने ब्राउजर को बांटना है, तो हम कैसे बांटे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे फ्रेम, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस, वो टॉपिक है फ्रेम का, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्रेम पढ़ेंगे। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, फ्रेम बनाएंगे। तो उसके लिए जो हम टैग पढ़ते हैं वो है फ्रेम सेट। क्या पढ़ते हैं भाई, फ्रेम सेट टैग। अब हम लोग यहाँ पे फ्रेम बनाना सीखेंगे। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है गाइस, यहाँ पे हमारा सिंटैक्स होता है कि फ्रेम सेट, ठीक है गाइस। यहाँ पे हम यूनिट देते हैं, वो हम आपको बताएंगे कि इसमें हम क्या करते हैं। फिलहाल अभी फ्रेम सेट टैग, तो ये क्या करता है, इट क्रिएट अ फ्रेम ऑन अ वेब पेज, और ये रिपेयर टैग होता है तो क्लोज भी होगा। ठीक है, अब इसके बाद गाइस, इसमें जो हम लोगों को ध्यान देना है वो ध्यान ये देना है कि हम लोग ये देखेंगे कि हम अपने उस फ्रेम को, मतलब जैसे ये हमारा पूरा पार्ट है, हम पहला फ्रेम को रो वाइज बांट रहे हैं या कॉलम वाइज। अगर हमने इधर से बांटा तो ये क्या है, रो वाइज है, क्या है, रो वाइज, ठीक। अगर हमने इसको ऐसे बांटा खड़ा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉलम वाइज, ठीक है। तो हम फ्रेम को दो तरीके से बना सकते हैं, रो वाइज और कॉलम वाइज, ठीक है। तो फ्रेम बनाने के लिए हम लोग ओपन फ्रेम सेट टैग से करते हैं और इंड भी कहां करते हैं, फ्रेम सेट टैग से ही करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हमको वो बांटना कहते हैं, हम लोग वो देखते हैं। तो इसके लिए इसके साथ दो एट्रीब्यूट आते हैं, एक आता है आपका रोज, ठीक है। रोज को हम दे सकते हैं गाइस, यहां पे ध्यान से देखना, क्या देंगे, नंबर ऑफ पिक्सल में, क्या देंगे, पिक्सल में देंगे, अदरवाइज परसेंट में देंगे, किसमें देंगे, परसेंट में गाइस। ये मान लो कि ये फ्रेम हम बना रहे हैं तो ये पूरा का पूरा कितने परसेंट है, 100% है। अब अगर हमने किसी को 30% दे दिया तो पहला रो 30% का होगा, दूसरे को दे दिया 50% तो दूसरा रो 50% होगा, तीसरा ऑटोमेटिक कितना बचेगा, 20%, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहां पे यूज करते हैं एस्ट्रिक, ये आगे हम लोग आपको आपको चर्चा करते हैं, बताते हैं। अब मान लो कि हमको फ्रेम वाइज कैसे बांटना है, मान लो कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है हमारा
कि हम पूरे बॉडी पार्ट को दो फ्रेम में बांटना चाहिए, तीन फ्रेम ले लेते हैं। चलो थ्री फ्रेम में हमको बांटना है, कितने फ्रेम में बांटना है, थ्री फ्रेम में बांटना है। ठीक, तो पहला जो हो वो हमारा पिक्सल में आप दे सकते हो तो पिक्सल में रखो, चलो हम परसेंटेज में रखते हैं कि 30% का पहला रो हो, दूसरा रो हो हमारा 40% का, और तीसरा रो हो हमारा 30% का। ठीक, अब ये हमारा एग्जांपल है कि हम अपने फ्रेम को कैसे बांटना चाहते हैं। ठीक, तो गाइस नोट में आप लोग ये चीज ध्यान देना कि फ्रेम सेट टैग कैन नॉट यूज इन बॉडी टैग। कभी भी फ्रेम से टैग को बॉडी में मत इस्तेमाल करना। भले हम बॉडी में बांटते हैं लेकिन फ्रेम सेट को कभी भी आप बॉडी टैग में यूज नहीं करोगे। तो कहां यूज होगा, इट यूज इन हेड टैग और बिलो द हेड टैग को चाहे बना दो तो टैग को हटा देना, ठीक है, बिलो द हेड टैग, हेड में भी बना सकते हो और बिलो द हेड टैग, लेकिन बॉडी में आप इस्तेमाल नहीं करो। चलिए इसको हम लोग बनाते कैसे हैं एक बार ध्यान दे देते हैं। हमने लिखा HTML से शुरुआत करते हैं, HTML, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हेड, हेड लिखते हैं ना, हेड के अंदर हम लोग क्या देते हैं, टाइटल देते हैं, टाइटल में हमने मान लो लिख दिया फ्रेम, टाइटल को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है, और हेड को चाहे आप यहीं पे क्लोज कर दो, अब इसके नीचे चाहे फ्रेम यूज कर लो, चाहे टाइटल के नीचे आप फ्रेम यूज कर लो, फिलहाल हम यहां यूज कर रहे हैं। हमने लगाया फ्रेम सेट, फ्रेम सेट एक में ही होगा, सॉरी, अब यहां पे हम लोगों को रो देना है, क्योंकि हम रो में बांट रहे हैं तो हम लिखेंगे रोज इक्वल टू, पहला एट्रीब्यूट यूज करेंगे रोज इक्वल टू। अब यहां पे हम लोग देंगे पहला क्या है 30%, ठीक है, कॉमा, हमने क्या दिया था 40%, कॉमा, उसके बाद आप लिखो चाहे 30%, क्योंकि हम 100 में ही डिवाइड करेंगे आज, तो हम यहां पे चाहे 30% लिखे। एक तरीका और होता है कि 30% की जगह हम यहां पे क्या यूज कर लें, एस्ट्रिक। जब स्टार आप लगा देते हो तो स्टार का मतलब है इट डिनोट द रिमेनिंग पार्ट, इट डिनोट द रिमेनिंग पार्ट, क्या डिनोट करता है, रिमेनिंग पार्ट को डिनोट करता है। ओके गाइस, तो हम इस तरह से फ्रेम सेट को क्या करते हैं, तीन भागों में बांट दिए। आप दो को दो भागों में बांटना है तो आप यहां पे 50% कर दो, उसके बाद कामा देके एस्ट्रिक लगा दो, चाहे 50% आप लिख दो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज करते हैं।
ठीक है। अब इसके अंदर दूसरी चीज जो हम यूज करते हैं, ठीक है, वो यूज करते हैं फ्रेम सेट के अंदर। तो ये फ्रेम को बटा तो, लेकिन अभी आपको यहां पे देना होगा फ्रेम टैग। क्या यूज करेंगे? फ्रेम टैग, सॉरी टैग हमने लिख दिया, फ्रेम यूज करेंगे। अब उस फ्रेम में अगर हम कोई चीज लाना चाहते हैं, कोई पेज लाना चाहते हैं, या कोई हम इमेज लाना चाहते हैं, या कोई वीडियो लाना चाहते हैं, तो आप कर सकते हो। फ्रेम आप यूज करोगे, ठीक है, और इसका नाम आप दोगे फ्रेम वन, फ्रेम टू, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल टैग होता है, इसको आप क्लोज भी नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है। चलिए हम नेम एट्रीब्यूट भी यूज कर लेते हैं। पहली चीज, एक होता है SRC एट्रीब्यूट। अगर जो चीज उस पेज में लिंक करनी है SRC में, मान लो पेज लिंक करना है, तो हमने यहां पे मान लो डाल दिया पेज वन डॉट HTML। तो अगर आपने पेज वन के नाम से कोई पेज बनाया होगा तो वो यहां पे आ जाए ना। नेम एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? नेम, नेम इक्वल टू हम यहां पे दे दिए फ्रेम वन। क्या दे दिया? फ्रेम वन। अब ये पहला फ्रेम बन गया, दूसरे फ्रेम को हम फिर से बनाएंगे फ्रेम या तार थी। अब मान लो इसमें हम दूसरा पेज कोई बना लिए हैं, यहां पे हम दे देते हैं पेज, सॉरी आलिफ, पेज टू डॉट HTML। नेम दे दो या भाई, नेम दे दिया, यहां पे हम दे देते हैं फ्रेम टू, नेम दे दिया। एक और फ्रेम बना है, तीन भाग में बांटे हैं, तो चलिए यहां पे हम क्या दे देंगे, फ्रेम SRC स्क्वायर टू, यहां पे हम क्या दे देंगे, पेज थ्री डॉट HTML, ठीक है, नाम से बना दिया। नेम यहां पे दे देंगे, नेम इक्वल टू हम यहां पे क्या लिख देंगे, फ्रेम थ्री, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, फ्रेम सेट को क्लोज कर देंगे। गाइस, अब जो आपका स्ट्रक्चर बना वो तीन भागों में बट गया है। ये कमेंट के रूप में है, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, हम लोग कैसे इसको बांटते हैं। तो गाइस, इस तरह से आप इसको फ्रेम को रो वाइज बांट सकते हो। अब बॉडी कंटेंट में आपको जो डालना है वो आप डाल सकते हो, लेकिन जब आपका फ्रेम बट गया तो बॉडी का इसमें इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेहतर है। तब उसके लिए आप अलग से पेज बनाओ, अलग से पेज बना के लिंक कराओ, ठीक है। प्रैक्टिकल में हम आपको उसको दिखा देंगे कि कैसे हम अलग से पेज बना के उसको हम लिंक कराते हैं, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग इसमें इसके एट्रीब्यूट, एक को तो हमने देख लिया रोज को, दूसरा एट्रीब्यूट हम लोग देखते हैं। दूसरा एट्रीब्यूट है इसका कॉलम, कॉलम। कॉलम में हम इसको कैसे बांटते हैं? अभी हमको खड़ा बांटना है, कॉलम वाइज बांटना है, तो हम कैसे बांटेंगे भाई? तो उसके लिए हम लोग फिर से, अब भाई HTML से मैं नहीं शुरुआत कर रहा हूं, आप लोग उसको देख लेना। हम सीधे फ्रेम सेट पे आते हैं, हमने लिखा फ्रेम सेट। अब हमें कितने बांटना है? कॉलम में बांटना है, तो हम कॉलम में यहाँ पे लिखेंगे कॉल्स। क्या लिखेंगे भाई? कॉल्स लिखेंगे, और कॉल्स इक्वल टू फिर हम यहाँ पे नंबर ऑफ पिक्सल, पिक्सल दे सकते हो आप, ठीक है, पीएक्स में, या तो कॉमा करिए, परसेंट में दीजिए,
तो पिक्सल या परसेंट आप किसी में दे सकते हो और फ्रेम सेट को आपको क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। फ्रेम सेट ठीक। चलिए तो इसको एग्जांपल में देख लेते हैं। मान लीजिए अभी हमने तीन रो बनाया था, अब तीन कॉलम बनाएंगे। अब हम यहां पे क्या यूज करेंगे, फ्रेम सेट। यहाँ पे कॉल्स इक्वल टू, अब यहाँ पे फिर हम परसेंटेज में दे सकते हैं। अब हम मान लो कि दो कॉलम में बनाना चाहते हैं, या चलिए तीन कॉलम में ले लेते हैं। तो एक 20% का कॉलम हो, एक हमारा कितना हो 60% का कॉलम हो, बचा कितना 20%। तो एस्टिक लगा देते हैं, ये क्या हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा। अब आपको सिर्फ वही सेम तीन काम करने हैं, वही फ्रेम बना दो, सेम फ्रेम बना देते हैं, एफआरसी दे देते हैं, इक्वल टू यहां पे हम दे देते हैं पेज, मान लो पेज ही बनाए हैं, पेज वन डॉट एचटीएमएल ठीक है, कॉमा कर देंगे, कॉमा सॉरी कॉमा नहीं, इसके बाद हमें यूज करना है नेम, नेम यूज कर लेते हैं। यहां पे हम क्या देते हैं, फ्रेम वन क्लोज, नेक्स्ट फ्रेम सेट सॉरी फ्रेम एसआरसी इक्वल टू, यहां पे हमने दे दिया पेज पेज वन है भाई, ये पेज टू है, नेम इक्वल टू यहां पे हम दे देंगे फ्रेम टू, फिर से फ्रेम में आएंगे, फ्रेम एस आर टी इक्वल टू पेज थ्री डॉट एच टी एम एल, और यहां पे नेम में दे देंगे फ्रेम थ्री, हो गया। अब आपको लास्ट में क्या करना है, फ्रेम सेट को क्लोज करना है। राइट, अब आपका फ्रेम कॉलम वाइज बट गया। ओके चले, अब हम लोग नेक्स्ट यूज करते हैं अगला एट्रीब्यूट, बॉर्डर, जिसको आप कितने दोगे, इसकी वैल्यू जो होगी नंबर ऑफ पिक्सल में होगी ठीक है, कितने नंबर ऑफ पिक्सल में। तो जहां आपने फ्रेम सेट यूज किया है, फ्रेम सेट, अब रोज कॉलम लगाने के बाद यहां पे हम बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर इक्वल टू, अब उसका बॉर्डर आप कितना रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे डिसाइड करोगे। मान लीजिए हम 5 पिक्सल का रखना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5 पिक्सल का रोज और कॉलम आपको ऐड करना है, फ्रेम सेट को क्लोज करना है ठीक है। अगला है फ्रेम स्पेसिंग, क्या है भाई, फ्रेम स्पेसिंग, जो हमारा फ्रेम बन रहा है, पहले फ्रेम और दूसरे फ्रेम के बीच में हमें स्पेस कितना चाहिए, या पहले कॉलम और दूसरे कॉलम के बीच में स्पेस कितना चाहिए, उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, फ्रेम स्पेसिंग एट्रीब्यूट। तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे, फ्रेम स्पेसिंग इक्वल टू, ये भी कितने देंगे, नंबर ऑफ पीएक्स में, सब डबल इन्वर्टेड कॉमा में होगा भाई ठीक है। सेम चीज आपको यूज करना है, फ्रेम सेट ठीक है, रोज एंड कॉलम लगाओगे ही, बॉर्डर भी दे सकते हो। चलिए यहां पे एक बार फिर से बॉर्डर यूज कर लेता हूं, 5 पिक्सल, उसके बाद हम देंगे फ्रेम स्पेसिंग इक्वल टू, नीचे लिख देता हूं
यहाँ पे हम दे देता हूँ 7 पिक्सल, और इसको उसके बाद कॉलम और रो जो बांटना है आप उसको लिखिए और क्लोज कर दीजिए। बाद में आपको क्या करना है, फ्रेम सेट को क्लोज करना है। तो ये हो गया आपका फ्रेम। इसमें आप फ्रेम कैसे बनाते हो वो सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी, ठीक है। कैसे आप उसको रो में बांटते हो, कैसे उसको आप कॉलम में बांटते हो, ठीक है। दो या दो से अधिक रो आपको बनाना बता दिए, दो से दो या दो से अधिक कॉलम को बनाना बता दिए, ठीक है। चलिए भाई, अब हम लोग अगला जो पढ़ेंगे वो फ्रेम का एट्रीब्यूट पढ़ेंगे, जो हमने आपको उसमें फ्रेम लगाया था, ठीक है। फ्रेम के एट्रीब्यूट हम लोग यूज करते हैं, तो फ्रेम हम लोग ने बात की थी। चलिए यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रेम टैग के एट्रीब्यूट को पढ़ेंगे। फ्रेम टैग एट्रीब्यूट, ठीक है भाई। चलिए इसके एट्रीब्यूट को हम लोग देखते हैं। तो इसके एट्रीब्यूट को देखने के लिए हमने पहला एट्रीब्यूट आपको बताया था, दिखाया भी था, SRC। SRC में हम क्या देते हैं, फाइल नेम, फाइल का लोकेशन देते हैं, या कोई फाइल आपको देनी है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं URL। ये पेज का भी हो सकता है, अगर आपने पेज बनाया उसको लिंक करना चाहते हैं पेज का है, या कोई एब्सोल्यूट URL है। जैसे फेसबुक, गूगल, इन सब का अगर आपको देना है तो वो दे सकते हो, ठीक है। दूसरा है नेम एट्रीब्यूट। नेम हम लोग देते हैं, जैसे हमने दिया था Frame 1 नाम, Frame 2 नाम, Frame 3 नाम, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, फ्रेम नेम देते हैं। क्या देते हैं, फ्रेम नेम। एक तीसरा एट्रीब्यूट, तीसरा एट्रीब्यूट है इसका मार्जिन हाइट। इसकी मार्जिन हाइट अगर हमको देनी है तो हम लोग वो भी दे सकते हैं, ये भी किसमें देंगे, नंबर ऑफ पिक्सल में, ठीक है। मार्जिन हाइट हो गई, इसी तरह आप मार्जिन बिट दे सकते हो, ठीक है। चलिए वो भी दे देते हैं, मार्जिन बिट, इसको कितने दोगे भाई, नंबर ऑफ पिक्सल। अगला क्या है भाई इसमें एट्रीब्यूट, वो है मार्जिन हाइट बिट, तो हो गई स्क्रॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब पेज बड़ा हो तो अगर स्क्रॉल उसमें आ जाए, क्या आ जाए, स्क्रॉल, जो स्क्रॉल बार है, एक तरह से एक लाइनिंग होती है ना बटन टाइप का, जिसको आप ऊपर नीचे खिसकाते हो वो स्क्रॉल बटन है, तो अगर आपको उसको देना है तो वो भी आप दे सकते हो। उसके लिए क्या होता है, स्क्रॉलिंग, यहां पे दो चीजें होती हैं। स्क्रॉलिंग यस कर दोगे तो स्क्रॉल बार बन के आ जाएगा, और नो कर दोगे तो स्क्रॉलिंग नहीं होगी, ठीक है। स्क्रॉल बार बन के नहीं आएगा, बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल बार बन के आता है, नो कर दोगे तो नहीं बन के आएगा, मतलब वो स्क्रॉल नहीं होगा। तो फिलहाल अगर आप फ्रेम बना रहे हैं तो स्क्रॉलिंग अगर आप नहीं लगाते हो तो ऑटोमेटिक उसकी स्क्रॉलिंग यस मान के चलता है, ठीक है। तो ये है आपका फ्रेम। इसके आगे अगला एट्रीब्यूट जो है वो है नो फ्रेम का, ठीक है। ऑटो यस या नो, सॉरी एक वैल्यू लिखना भूल गया इसमें, ऑटो ऑब्लिक यस, अगर है स्क्रॉलिंग की जरूरत तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। यस कर दोगे तो आएगा, नो कर दोगे तो नहीं आएगा, ये चीज ध्यान में रखना।
चलिए अगला हम लोग क्या बात करते हैं, फ्रेम का रिसाइज करना। ठीक है, तो यहां पे हम लोग नो रिसाइज मतलब उसमें कोई रिसाइज ना हो, उसके हाइब्रिड में कोई साइज में परिवर्तन ना हो। अगर आप इसको नो रिसाइज कर दिया तो जितना बना है उतने में वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, नो फ्रेम टैग आपने यूज कर लिया। अगर तो वहां पे आपका कोई अदर फ्रेम नहीं बने। ओके गाइस, तो ये था फ्रेम सेट टैग। अब इसमें जो आगे की चीज होती है कि हम फ्रेम के अंदर हम क्या बनाना चाहते हैं, एक और फ्रेम बनाना चाहते हैं। सपोज दैट, आप तो बन लीजिए, जैसे ये मेरा पूरा का पूरा एक बॉडी है। ठीक, अब इस फ्रेम में तो हमारे कंपनी के बारे में आ जाए। ठीक है, इसको हमने बांटा, ये फुटर पार्ट है। हम चाहते हैं कि ये दो भागों में बढ़ जाए। कितने भागों में बढ़ जाए, दो भागों में बट जाए। कौन, तो ये देखो फ्रेम वन है, ये क्या है फ्रेम टू, और ये क्या है फ्रेम थ्री। तीन फ्रेम है, लेकिन फ्रेम टू दो भागों में बटा है, तीन भागों में बटा है। तो इसको आपको बनाना है, तो इसी को बोलते हैं नेस्टेड फ्रेम सेट, या नेस्टेड फ्रेम सेट हम कैसे यूज करते हैं। चलिए गाइस, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि फ्रेम सेट टैग यूज करते हैं, ऊपर हेडिंग डाल दूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, नेस्टेड फ्रेम सेट। ठीक, चलिए इसको क्या करते हैं, हम लोग बांटते हैं। एक एग्जांपल इधर हम रख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में भी आता रहे। ऐसे बांटेंगे और ऐसे बांटेंगे। ठीक है, यही भाग हम लोग बांटते हैं। तो इसको बनाते कैसे हैं, चलिए हम देख लेते हैं। ओके, चलिए हमने लगाया क्या, फ्रेम सेट टैग यूज किया। पहले हम रो में बांट लेते हैं। ठीक, तो रो में बांटा, तो यहां पे हमने लिखा रोज इक्वल टू, चलो इसको हम दे देते हैं 25%, अगले वाले को हम दे देते हैं 50%, लास्ट वाले को हम दे देते हैं 25%, या स्टिक लगा दो तो रिमेनिंग पार्ट सो हो जाएगा। ओके, चलिए अब हमें यहां पे क्या लगाना है, फ्रेम वन। ठीक है, क्या लगाएंगे, फ्रेम वन। तो यहां पे फ्रेम वन लगाते हैं, फ्रेम वन को यथार्थी दे देते हैं। यहां पे हमने लिखा पेज वन डॉट HTML, इसमें क्या दिखे, पेज वन डॉट HTML दिखे। नेम दे देते हैं, मान लो नेम हमने दे दिया फ्रेम वन। अब दूसरा फ्रेम हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दूसरा फ्रेम। अब दूसरे फ्रेम को इसने क्या किया है कि दो भागों में बांटा हुआ है, तो हम यहां पे एक और फ्रेम सेट यूज कर लेते हैं, फ्रेम सेट। अब यहां पे हमने किस भाग में बांटा है, कॉलम में बांटा है, तो हम लिखेंगे कॉस इक्वल टू, अब ये 50%, क्योंकि ये टोटल 100% माने अगर हम, तो 50% and 50% हुआ भाई। इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब इसमें हम फ्रेम लगा देते हैं भाई, फ्रेम यथार्थी इक्वल टू, यहां पे हमने लिखा पेज टू डॉट HTML,
अगर नेम आपको देना है तो आगे नेम दे दीजिए, क्लोज करिए, फिर सेम SRC इक्वल टू, अब यहां पे हम क्या दे देंगे, पेज .html, आगे नेम दे दो, देना है तो। अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, फ्रेम सेट को क्लोज कर देंगे। ये कौन सा फ्रेम सेट बना, बंद हुआ, ये कॉलम वाला जो बटा है दो कॉलम में उसको बंद किया। अब एक फ्रेम में एक ये बना, दूसरे में ये दो भाग में बट गए, अब तीसरा वही हमारा लास्ट वाला बचा है, तो इसके लिए हम फिर से क्या यूज करेंगे, फ्रेम यथार्थी इक्वल टू, यहां पे हम दे देंगे पेज फोर डॉट html और यहां पे नाम कोई डाल दो। लास्ट में हम क्या करेंगे, फिर से फ्रेम सेट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ओके गाइस, तो इस तरह से आप क्या करते हो, नेस्टेड फ्रेम बनाते हो। ओके गाइस, तो यहां से आपका HTML4 खत्म हो जाता है। गाइस ध्यान से सुनिए, अब हम HTML5 देखेंगे, क्योंकि उसका थोड़ा सा लेआउट होता है, स्ट्रक्चर होता है, तो उसको अब हम लोग समझेंगे। ये HTML4 था जो हमने आपको खत्म कर दिया है, बता दिया है, प्रैक्टिकल में भी आपको हम इसको समझा देंगे, लेकिन अब जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो करने वाले हैं HTML5। अब उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है, चूंकि HTML5 जो आया है, चूंकि ये ऑल ब्राउजर सपोर्टेड हो गया है, दूसरी चीज ये बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव है प्रीवियस वर्जन की अपेक्षा, चूंकि उसमें हमें लेआउट में अगर बांटना है तो हम लोग उसको लेआउट में बांटते हैं। ठीक है, तो कैसे उसको हम लेआउट में बांटते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। और ये इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जितना टैग आपने पढ़ा है वही आपके टैग HTML5 में है, कुछ टैग आपके नहीं है, कुछ जोड़े गए हैं, तो जो चीजें जोड़ी गई हैं हम उनको एक्सप्लेन करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, बस इतनी सी बात है। और ये हो गया तो क्लासेस आपकी और आसान हो जाएंगी, फिर आपको हम अगर दिखाते भी चलेंगे तो भी चीजें आपकी समझ में आएंगी। तो आज के लिए हम लोग बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।